वेलकम टू सजीर भाई गुरु में आप सभी का स्वागत है गाइस। फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल हम लोग भरते हैं, आप भी मैकेनिक है, क्योंकि आप जितना भी हमारे चैनल पे व्यूअर है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक मैकेनिक है। और बाइक मैकेनिक के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग काफ़ी सारे इंजन ऑयल कंपनियों का भरते हैं, कोई भाई कैस्ट्रोल का भरते हैं, कोई मोतुल का भरते हैं, और भी काफ़ी सारे मार्केट में इंजन ऑयल चलता है। तो अगर आप लोग कैस्ट्रोल की इंजन ऑयल भरते हैं और उसके डब्बा में दिए जाता है एक कूपन, तो इस कूपन को आप लोग जैसे कि अपने बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करें, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं, डब्बे को रखते हैं। इस कूपन को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए एक हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ता है, एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, ऐप में हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है, उसमें बैंक डिटेल देना पड़ता है, जैसे कि काफ़ी सारे चीज़ आप लोगों को देखना पड़ता है। तब जाके क्या होता है, हम लोग अपना स्कैन करके जैसे कि पैसा को ऐड कर सकते हैं, और जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को दो तरह की चीज़ बताऊँगा। एक, आप लोग अपने हाथ से आईडी बना सकते हैं, जिसमें कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा के वहाँ बैंक अकाउंट नंबर देने के बाद जैसे कि इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दूसरा जो भी है गाइस, वो आप लोगों के पास जो डीलर नज़दीक होता है, ME मार्केटिंग एक्सीबिशन एक होता है, जो क्या करता है, पूरे इलाका का जो मैकेनिक भाई है सबके पास जाता है और OTP लेता है, जैसे कि उसके जरिए से सब खबर रखता है, जो हाई हेला हो कैसे करता है, कैसे हो आप लोग, कैसे इंजन ऑयल भरते हो, ये सब खबर लेता है। इसके जरिए से आप लोग करते हो ना, तो आप लोगों को यानी कि पूरा मदद मिलता है, ऑफर मिलता है। तो चलिए मुद्दे की बात है, हम लोग जाए कैसे स्कैन करें। चलिए अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए मैं अपना मोबाइल भर करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, इस साइड पर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल का स्क्रीन, और चलिए सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यानी कि यहाँ सर्च करेंगे कैस्ट्रोल फास्ट स्कैनर कूपन ऊपर आ गया है। तो चलो उस पर टच करेंगे। करने के बाद हमारे यहाँ ऑलरेडी जैसे कि डाउनलोड करा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का हम लोगों का फेस आएगा। अब थोड़ी देर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों को जैसे कि यहाँ हम लोग को एक नंबर देना पड़ता है, जैसे कि 1129। अब नीचे हम लोग प्रेस करेंगे। अब यहाँ परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे ऊपर जो है वही हम लोग परमिशन मांग कर दिए। अब पूरा चेकअप करेगा गाइस, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ मोबाइल नंबर देना पड़ता है, तो चलिए मोबाइल नंबर मैं भर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यहाँ दे दिया है। अब नीचे एक ऑप्शन है न्यू टू फास्ट स्कैनर, मतलब हम लोग पूछ रहा है कि आप लोग नया रजिस्टर करने वाले हो। हाँ जी हाँ, हम नया करने वाला हूँ। तो चलो इसको ऑन कर देते हैं और कंटिन्यू पे मारते हैं। अब इस पर एक OTP जाएगा गाइस, ठीक है। इस पर OTP जाएगा, वो OTP हमको देना है। चलो OTP दीजिए। तो OTP हम भर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने OTP यहाँ दे दिया है। अब यहाँ हम लोग सबमिट करेंगे गाइस। तो चलो सबमिट में मारने के बाद कुछ इस तरह का हम लोगों का रूल्स बताया जाएगा। पूरे को सर्कल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा एक्सेप्ट। तो चलो एक्सेप्ट बटन पर मारते हैं, और यहाँ हम लोग को लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है, जो अपने अपने क्षेत्र से आप लोग है, जैसे कि बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और तामिल, काफ़ी सारे भाषा दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 भाषा दिया गया है। तो हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश ही हम लोगों का मेन होता है। तो चलो इंग्लिश हमारा जैसे कि सिलेक्ट करा हुआ है ऊपर। तो चलो सबमिट में हम लोग दबाते हैं। अब यहाँ हम लोग को पासवर्ड देना पड़ता है गाइस, ठीक है। पासवर्ड आप क्या डालेंगे, आप पासवर्ड आप लोग को टाइपिकल देना है, जैसे कि आपका नाम जो भी है पाँच अक्षर का आप दे दीजिए, और हमारा हम अपने जैसे कि आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने पासवर्ड दे दिया है, जैसे कि मैंने 4 अक्षर दिया है हमारा नाम का, और ऐड लगाया है, और जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि पासवर्ड आप लोगों को दो हिसाब से देना, टैपिकल मजबूत पासवर्ड देना है, तभी आप लोगों को यहाँ काम करेगा। तो चलो हम सबमिट करते हैं।
अब यहाँ हम लोगों का जैसे कि सबमिट हो चुकी है गाइस, अब यहाँ हमको बता रहा है आप बाइक के लिए अप्लाई कर रहा है या कार के लिए अप्लाई कर रहा है या ट्रैक के लिए कर रहा है। तो हम लोग सबसे ऊपर जो है उसमें कार पे नहीं करेंगे, बाइक पे करेंगे। तो चलो बाइक के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं और सर्कल करके नीचे आएंगे और यहाँ सबमिट में हम लोग जैसे कि सबमिट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों को दिया जाता है जैसे कि काफ़ी सारे नंबर है, सबसे पहले आप लोगों को नाम देना पड़ेगा, उसके नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, व्हीकल्स टाइप, पिन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, पिन कार्ड का बाद आप लोगों को यहाँ सबमिट करना है। तो चलो पूरे का पूरे प्रोसेस यहाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने पूरा फिलअप कर लिया है। तो फ्रेंड्स एक UPI आईडी लिखा हुआ है, उस घर पे आप लोगों को UPI आईडी नहीं देना है, बगैर UPI आईडी का ही सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा सबमिट का बटन, तो सबमिट पर आप लोगों को प्रेस करना है और ऑटोमेटिक यहाँ हम लोगों का खुल जाएगा। अब यहाँ हम लोगों को जैसे कि अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, पूरा हम लोग भर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले आप लोगों को जो बैंक अकाउंट में जो नाम है वही वहाँ देना है, उसके बाद अकाउंट नंबर देना है, उसके बाद री अकाउंट नंबर वही अकाउंट नंबर को देना है और नीचे IFSC कोड। चलो भर लेता हूँ उसके बाद देता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा अकाउंट नंबर, नेम, सबसे पहले मैंने क्या दिया है, नेम दिया है, बेनिफिशियरी अकाउंट दिया है, उसके बाद री अकाउंट दिया है, उसके बाद IFSC कोड। अब नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है, इसको हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। अब ऑन करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग कन्फर्म दबाएंगे। चलो कन्फर्म दबाते हैं। तो यहाँ हम लोग को बता रहा है क्या फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग को अब बता रहा है यस करना पड़ेगा, यस या नो, तो हम लोग को यस करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग का अकाउंट एकदम 100% रेडी। अब हम लोग चलो एक को स्कैन करते हैं और हम लोग पॉइंट देखेंगे जो हम लोगों का पॉइंट कैसा आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्कैन के लिए उपयोग करेंगे गाइस, नीचे दिया गया हम लोगों का एक स्कैन की तरह। तो चलो स्कैन करते हैं और यहाँ हम लोगों को परमिशन देना पड़ता है, ऊपर मारेंगे और हम लोग कैमरा ओपन हो चुकी है गाइस। ठीक है, अब हम यहाँ से स्कैन करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग का यहाँ हम लोगों को बता रहा है 15 रुपया मिला है एक कूपन का। तो चलो अब आप लोगों को पॉइंट दिखाता हूँ बैक में जाके। तो फ्रेंड्स ऊपर हम लोगों का टोटल अर्निंग 15 रुपया और कैश भी हम लोग का 15 रुपये दिखा रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों का अभी रजिस्टर हो चुकी है और ये नंबर जो है मेरा स्टाफ का मैंने किया है, तो इसी तरह से यानी कि हम लोगों का रजिस्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स कैस्ट्रोल सुपर फास्ट स्कैनर जैसे होता है, हम लोग मैकेनिक भाई जो है एक कूपन अगर हम लोग फेल दे देते हैं, हरा जाता है, गुम हो जाता है, तो ये सब ज़रूरत क्या है, हम लोग तो मैकेनिक है, कैस्ट्रोल का कभी भी हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं। तो आप लोगों को भी ये ऐप्स यानी कि इंस्टॉल करके रखना है और रजिस्टर करना है, ताकि आप लोगों को भी जैसे कि जितना भी स्कैन कूपन हो आप लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ हमारा जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग फिर ऑटोमेटिक विड्रॉ करेंगे, जैसे कि बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में ये बताएंगे जो बैंक में विड्रॉ कैसे करें रुपया, वो वीडियो अलग से आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कमेंट करेंगे तो विड्रॉ करने के लिए भी आप लोग वीडियो बनाइए तो वो भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।